कभी कभी ना अजीब सा होता है कुछ भी नहीं अच्छा लगता है पुरानी बातें याद आने लगती हैं तो मुझे भी वैसे बचपन की दादी घर की याद आ रही थी तो मैंने सोचा चलो आज क्यों ना हम गांव वाला खाना खाते हैं तो ये टेस्टी भी है और हेल्दी भी है तो सोचा इस रेसिपी को आप लोगों के साथ भी शेयर करूं तो मैं इस रेसिपी को फटाफट कैसे बनाऊंगी ये आपको बताऊंगी तो मैंने एक तरफ यहाँ पर एक कप पानी रखा है गर्म होने और इसमें आधा छोटा चम्मच नमक डाल दिया है दूसरी तरफ कढ़ाई गर्म होने रख दिया है और अब चलेंगे हम सब्ज़ी काटने ताकि हमारा खाना फटाफट बने तो मैंने पहले एक मीडियम साइज़ का आलू लिया है मीडियम से थोड़ा बड़ा ही है और इसे छील लिया है अगर आप नए वाले आलू ले रहे हैं तो इसे छीलने की जरूरत नहीं है और इसे काट करके हम तुरंत पानी में डाल देंगे ताकि ये काला ना पड़े तो आलू हमारा धुल गया कढ़ाई भी हमारी गर्म है तो उसमें डालेंगे हम ऑयल तो मैंने यहाँ सरसों तेल में बनाया है तो दो छोटा चम्मच सरसों तेल डाला है तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें हमें डालना है तड़का यानी फ़ोरन डालेंगे तो मैं यहाँ पाँच फ़ोरन यानी फोरन डाल रही हूँ जिसमें सरसों मेथी जीरा सौंफ अजवाइन ये पाँच चीज़ें हैं जब जीरा पंचफोरन चटक जाए तो थोड़ा सा इसमें हींग डाल देंगे तो आधा छोटा चम्मच मैंने हींग डाला है इसी के साथ हम आलू को भी डाल देंगे तो हिंग का फ्लेवर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में डाली है आपको कम अच्छी लगती हो तो इसे थोड़ा कम कर दें या फिर इसके बिना भी बना सकते हैं अब आलू को हमें हल्का गुलाबी होने तक फ्राई करना है तो गैस की फ्लेम को हम धीमा कर देंगे और दूसरी तरफ चलेंगे देखिए पानी में हमारा उबाल आ गया है तो इसमें डालेंगे हम एक कप भर कर रागी का आटा तो हमारे यहाँ इसे मड़ुआ का आटा कहा जाता है आपके यहाँ क्या कहा जाता है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और आप इस रागी के आटे से कौन कौन सी रेसिपी बनाते हैं ये भी जरूर बताएंगे तो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे उबलते हुए पानी में इसे डाल देना है और गैस को हमें बंद कर देना है और इसे अच्छी तरह से हम मिला लेंगे मिलाने के बाद इसे कवर करके हम रख देंगे तब तक थोड़ा आटा जो है ना फूल जाएगा तो उस सब्ज़ी में हमने अभी सिर्फ़ आलू फ्राई किया है अब बाकी की सब्ज़ी है ये बीन्स यानी बरबट्टी बड़ी वाली बोरो जो होती है ना वो है आप इसे क्या कहते हैं ज़रूर बताएं है। तो इसके छोटे छोटे पीस मैंने कट कर लिए हाथ से तोड़ने से इसके साइड के जो रेसे होते हैं ना वो निकल जाते हैं अगर छुरी से कटेंगे तो साथ साथ में कट जाएगा पता नहीं चलता और फिर सब्जी के साथ मुंह में आता तो अच्छा नहीं लगता है तो मैंने 250 ग्राम बोरो लिया है और एक मीडियम साइज़ का बैगन लिया है और इसे भी हम इस तरह से लंबे पीस में कट कर लेंगे और इसे भी काटने के बाद फटाफट से हम पानी डाल देंगे क्योंकि बैंगन भी कटने के बाद काला पड़ने लगता है तो मैं ऐसे ही सब्जी वगैरह बनाती हूँ पहले कढ़ाई गरम करती हूँ और एक के बाद एक कट करती हूँ आपको अगर धीरे धीरे आप सब्ज़ी कट करते हैं तो आप पहले से सब्ज़ी काट कर फिर सब्ज़ी बना सकते हैं अब इसे फटाफट से हम धो दो लेंगे धोने के बाद हम इसे छान कर रख देंगे साइड में तो आलू देखिए हमारा फ्राई हो चुका है गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और इसमें डाल देंगे कटी हुई सब्जियों को और गैस के फ्लेम को आप चाहें तो हाई कर सकते हैं और इसे हम थोड़ा भून लेंगे जब तक ये फ्राई हो रहा है हम मसाला तैयार कर लेते हैं मसाले में हमें लहसन भी डालना है तो लहसुन की कलियों को मैंने पहले ही अलग कर कर पानी में भिगो दिया था ताकि थोड़ी नरम पड़ जाए और इसे छीलने में ना आसानी हो तो 10 से 12 लहसुन की कलियाँ चाहिए हमें छोटी है तो मैंने 10 बारह डाली है अगर मोटी हो तो इसकी क्वांटिटी को आप कम कर दें इसी के साथ इसमें हम सरसों डालेंगे तो यह मैंने पीले वाला सरसों लिया है तो ये डेढ़ छोटा चम्मच डालना है आपके पास अगर ये नहीं है तो नॉर्मल काले वाला सरसों भी डाल सकते हैं और चार ये हरी मिर्च को डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसका हमें बारीक पेस्ट तैयार कर लेना है तो देखिए सब्जी भी हमारी थोड़ी फ्राई हो गई है गैस के फ्लेम को आप धीमा कर दिए और धीमा करने के बाद इसमें डालेंगे हम मसाले को इसी के साथ आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर तो लाल मिर्च पाउडर मैंने सिर्फ कलर के लिए डाला है आप चाहें तो सिर्फ हरी मिर्च या सिर्फ लाल मिर्च पाउडर डालकर भी बना सकते हैं इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा चना इसमें मूली भी पड़ता है मेरे पास नहीं है तो मैंने नहीं डाला है मगर मूली भी डालेंगे तो सब्ज़ी और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी अब इसी के साथ इसमें हम टमाटर भी डाल देंगे तो मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है बारीक चॉप करके डाल रही हूँ अगर टमाटर छोटे होना तो इसकी क्वांटिटी दो कर दें या थोड़ा खट्टा पसंद हो तो भी थोड़ा ज़्यादा टमाटर डालें इसी के साथ नमक डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद धीमी आंच पे इसे हम ढक ढक करके भूनेंगे ताकि सब्जी भी पकती रहे और मसाला भी हमारा भुनता रहे ऐसा करने से ना ये जल्दी बन जाता है तो बीच बीच में से मैंने दो तीन बार चला लिया था आप देखिए मसालों से तेल अलग होने लगा है तब इसमें हम पानी डालेंगे ग्रेवी के लिए तो इसकी ग्रेवी ना थोड़ी गाढ़ी होती है लटपटी सी पतली नहीं होती है पानी डालने के बाद इसे कवर करके थोड़ी देर पकने दें तो गैस के फ्लेम को हम धीमा कर देंगे जब तक सब्ज़ी हमारी पक रही है हम रागी के आटे को एक बड़े प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे ये पूरी तरह से नहीं ठंडा हुआ है अभी हल्का गुनगुना गर्म है ये थोड़ा ड्राई लग रहा है तो इससे गूँदने के लिए हम पानी यूज़ करेंगे तो जिस सस्पैन में मैंने आटे को फुलाया था ना गर्म पानी में उसमें थोड़ा सा पानी लेकर डाल रही हूँ तो हल्का हल्का पानी का छिटा मारकर इसे हमें गूँना है तो उबलते हुए पानी में डालकर इस तरह छोड़ेंगे ना तो फिर इसमें ग्लूटिन फॉर्म होता है और आटा जो था चिपचिपा बन जाता है और रोटी आराम से बिल जाती है तो देखिए हमारा डो तैयार है तो सब्जी भी हमारी देखिए तैयार है तो ग्रेवी को जितना गाढ़ा रखना है उस हिसाब से रख लें और ग्रेवी को ज़्यादा गाढ़ा करना है ना तो आलू को आप मैश कर सकते हैं तो इससे ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी अब हम गैस को बंद कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद तो ये सब्जी भी हमारी तैयार है अब चलते हैं फटाफट से हम रागी की रोटी बना लेते हैं तो इसे बनाने के लिए भी हमें छोटा सा लोई तोड़ना है तो मैं नॉर्मल जैसे रोटी बनती है ना वैसे ही हल्का सा आटा लगा करके बेल रही हूँ आप अगर हाथ पर मक्के की रोटी इस तरह बनाना चाहते हैं उस तरह से भी बना सकते हैं रोटी हम मैंने थोड़ी मोटी बेली है अब गर्म तवे पर इसे डालेंगे तीस सेकेंड बाद जब उसका ऊपर का लेयर थोड़ा कलर चेंज हो जाता है तो इसे हम पलट देंगे और इस तरह से कपड़े से थोड़ा दबा दबा करके सेकेंगे ताकि चारों साइड अच्छी तरह से पक जाए पक जाने के बाद इसे हम पलट देंगे और फिर से इसे फुलाने के लिए कपड़े से इस तरह से दबा दबा करके फुलाएंगे तो ये तो हुआ अगर आप तवे पर रोटी फुलाना चाहते हैं तो तो भी देखिए कितने अच्छा फूल है ना गुब्बारे जैसा अब अगर आप गैस पे फुल्के की, की तरह फुलाना चाहते हैं तो भी नॉर्मल रोटी की तरह सेक कर इस तरह से गैस पर फुलाएंगे तो भी ये फूल कर गुब्बारे जैसा बनेगी तो ये हमारी रागी की रोटी देखिए हो गई तैयार तो ये हमारी लंच थाली हो गई तैयार तो पंचमिसाली सब्जी के साथ मैंने दाल और सलाद भी सर्व किया है और रागी की रोटी को बिना घी के सर्व किया है तो ये हमारी गाँव वाली थाली कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें